नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स में आपका स्वागत है। हर साल उत्तराखंड में आप लोग घूमने आते हैं एक अच्छे अदद होम स्टे की तलाश में, कि एक घर जैसा माहौल मिले जहां आप कुछ दिन वहां बिताएं। चाहे आप यात्रा में आ रहे हों या फिर उत्तराखंड में सीनिक जो ब्यूटी है उसको निहारने के लिए आ रहे हों, रूरल टेल्स उन्हीं होम स्टे की खोज में है और एक पूरी लंबी सीरीज बना रहा है। इसमें शायद एक साल लगे, दो साल लगे, पाँच साल लगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, उनके आसपास कौन से अच्छे होम स्टे हैं जो आपके लिए रहने के लिए पर्याप्त उपयुक्त हैं, जहां आपको पहाड़ का जो स्वाद है वो भी मिलेगा और वहां के जो आबो हवा वो भी। उत्तरकाशी के ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कुछ होम स्टे हमने पहले भी दिखाए थे, लेकिन एक लंबी सीरीज के रूप में पूरी श्रृंखला चलेगी। इस श्रृंखला को एग्जीक्यूट करने के लिए इस प्लान जो हमने सोचा है, इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो कुछ आर्थिक सहयोग जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। 13 जिलों में घूमना, उन जगहों तक जाना, ये अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आप सबकी हमें मदद चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर हैं, जानकारियाँ हैं, आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। और अगर आपको कोई होम स्टे अच्छा लगे या जानकारी चाहें तो आप हमें मेल जरूर करिएगा। होम स्टे से कुछ ही दूरी पर माँ गंगा नदी है, यानी भागीरथी नदी, और उसी माँ गंगा के दर्शन के लिए आपको हम लेके जा रहे हैं। शांत बहती हुई उत्तरकाशी में माँ गंगा नदी। मातली जो गांव है वो उत्तरकाशी से करीब 6 किलोमीटर पहले पड़ता है और ये गंगोत्री नेशनल हाईवे पर स्थित गांव है। ऊपर गांव के ऊपर और नीचे लंबे चौड़े खेत हैं और जो स्पेक्टेकुलर व्यू दिख रहा है आपको भागीरथी का, वाह, बस मन कर रहा है यहाँ पे बैठे रहें और माँ गंगा को निहारते रहें। क्योंकि जब चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आते हैं ना, तो वो भाग दौड़ में रहते हैं, उन्हें बस दर्शन करने होते हैं या केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। वो गांव में रुक के वो फील नहीं कर पाते जो उत्तराखंड का असली चार्म है, जो असली ब्यूटी है यहाँ की। ऐसे ही होम स्टे में जब तक आप रुकेंगे नहीं, एक दो दिन थोड़ा रिलैक्स नहीं होंगे, तब तक आपको उत्तराखंड का जो मेन, एक तरीके से आत्मा कहें, जो गांव की यहाँ की ब्यूटी है, वो नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है होम स्टे से, जो ग्रैंड पेरेंट होम स्टे है, और हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं आसपास क्या क्या है। ये पुल, बहुत सुंदर पुल बना हुआ है, नदी है, आप नदी में जाइए, थोड़ा सा योग करिए या ध्यान करिए और फिर आगे बढ़िए अपने जो डेस्टिनेशन है आपका। ये साहब मातली गांव है और यहाँ पे होटल्स भी हैं और होम स्टे भी है। ग्रैंड पेरेंट्स मेरा होम स्टे है। तो इसके आसपास जो है, ये नदी के किनारे है, खेती होती है, और इसका एटीट्यूड जो है 3758 फीट है, जो कि बहुत आइडल है। ना ज़्यादा गर्म है, ना ठंड है। इसमें जाड़ों में भी आप
नेचर का आनंद ले सकते हैं, ज़्यादा ठंड नहीं होती, थोड़ा सुबह शाम होता है, और मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है 9 से 10 टेम्परेचर जाता है विंटर में। हाँ, समर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, दिन 25-30 के करीब, 25 तक। वो बड़ा मॉडरेट क्लाइमेट है और ये कंफर्टेबल है, इस जोन में आप कभी भी घूमें, गंगोत्री आसपास के ट्रैक और यहाँ के गांव हैं कई, चामकोट ये सामने वाला गांव है, ये मातली गांव सामने दिख रहा है आपको, ये पूरा मातली है, काफ़ी बड़ा गांव है और काफ़ी ज़मीन और बस्ती भी है, और सामने बड़ेठी गांव है जिसमें भी काफ़ी होटल्स और वो हैं, और पीछे की तरफ इसको ITBP कैंप होता है पीछे, उसके आसपास भी गांव है, और रतुड़ी सिरा, और रतुड़ी सिरा के ऊपर है रेणुका देवी जिसमें एक रोड जाती है 12 किलोमीटर और करीब 2 किलोमीटर छोटा सा ट्रैक है, और खूबसूरत पहाड़ी पे बसा है माँ रेणुका देवी का मंदिर, जो कि लोगों में आस्था का प्रतीक है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ से पूरा ये गंगा, मतलब उत्तरकाशी तक, कुटेटी तक दिखाई देता है, लंबा व्यू, नदी के बीच गांव सब देखते हैं। साथियों, ग्रैंड पेरेंट्स होमस्टे में आज सुबह का हमारा नाश्ता है, और नाश्ता देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या क्या है हम जानेंगे नौटियाल जी से पूरा डिटेल में। नौटियाल जी, ये जो थाली है जो हमने अब सुबह का नाश्ता है, थोड़ा सा एक एक करके हर चीज बता दीजिए। ये हमारे गढ़वाली पैटर्न पे है, जो हमारे पास, जो हमारे खेत में है अवेलेबल, बिल्कुल ऑर्गेनिक एंड फ्रेश, तो इसका बना रहे हैं। ये हमारी पटुंगी है, ये पटुंगी मीन्स ये सब्जियों का, जैसे हरे पत्ते, लहसुन के पत्ते, धनिया, और इनको साथ बेसन या आटा मिला के और थोड़ा हरी मिर्च डाल और नमक डाल के ये बनाया जाता है। टिक्की की तरह बन गया, टिक्किया की पैटर्न पे है। और ये है आलू, आलू और मेथी, इसको जख्या में छौंक के बनाया गया है आलू। ये हमारे फ्रेश हुआ है, हाँ। हमारे खेत की। ये पिंडालू है, पिंडालू इसको उबाल के अरबी भी कहते हैं, हाँ। इसको लहसुन के छौंक में, जख्या में हरी मिर्च और पुदीना वगैरह डाल के, पुदीना और धनिया डाल के ये पिंडालू की सब्जी हुई। ये चटनी, चटनी है, ये है तिल की चटनी, तिल की है इसमें, तिल और भी है? और इसमें कुछ प्याज भी डालते हैं और हरी मिर्च, पुदीना, हल्का सा खुशबू आ रही है, हाँ, पुदीने की भी खुशबू, पुदीना और हरी मिर्च, टमाटर भी डाल सकते हैं, फल सेब डाल के। अच्छा, तो ये हो गई चटनी। नमक जो है वो कल भी आप इसकी तारीफ कर रहे थे, ये नमक जो है ये खास नमक है, ये नमक साहब, ये इसमें 16 टाइप के आइटम है, सब हेल्दी वो है, 16 चीजें मिलाई है नमक में। इसमें हरा धनिया, हरा पुदीना, हरा लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च, ये पेस्ट इसका एक रस है। उसके बाद सूखे मसाले में डाला जाता है एक जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची, सौंफ और काली मिर्च, लौंग बता दिया आपको, तेज पत्ता, इतना सब, और आंवला पाउडर या आंवला, और अदरक, और थोड़ा राई भी डालते हैं, सौंफ भी डालते हैं, और हींग लास्ट में, हींग। तो इसको जो है सूखा वो पाउडर बना के रखा जाता है। उसके बाद काला नमक, सेंधा नमक और सिंपल नमक, और जो वाइट वाला नमक, वाइट वाला नमक कम रखते हैं, व्हाइट वाले नमक को इसलिए यूज करते हैं ताकि मैंने तो ये नमक चिपके ना, मैंने तो नमक डाल भी दिया और इसमें। हाँ, इसको फिर क्या करते हैं साहब कि मैश करते हैं नमक के साथ, वो एक तो पाउडर मिलाते हैं पूरा,
जो मैंने बताया मसाला, उसके बाद पेस्ट को, उसको सबको मिक्स करके बिल्कुल वो मैश करके ये नमक तैयार। रहा नहीं जा रहा है, मैंने शुरू और करें। ये नमक में जो है आप सब्जी में डाल सकते हैं, आप रायते में डालो, आप अल्टीमेट। फ्रूट्स में डालो, किसी भी चीज में, दाल दाल में भी डाल सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। ये पूरा आपको मसाला है रेडीमेड, मतलब मुझे तो लग रहा है कि और आपने सेहत और टेस्ट के हिसाब से भी ये अच्छा मसालों का ध्यान रखा हुआ है पूरा है। तरीके से। तो ये हाइजीनिक है और ये थोड़ा यूनिक टाइप का हमारे गढ़वाल में बनाते हैं, लहसुन जीरा वीरा लगा के होता है, वो भी अच्छा है, लेकिन इसमें मेडिसिनल वैल्यू है। अल्टीमेट स्वाद है सर। मक्खन लगाया हमने मंडुवे की रोटी में, मेथी और आलू की सब्जी खा रहे हैं, ये पिंडालू है, ये पतोड़े हैं, चटनी और दही, हर चीज अल्टीमेट मजा है। कैसा मंडुवे की लग रोटी रहा है आपको? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है। इसके अलावा और चीजें बना सकते हैं जैसा डिमांड है, जो जनरल नाश्ता लोग खाते हैं इंडियन फॉरेन के, जैसा जिसने डिमांड किया, ये वो तो कोई पहाड़ का दिक्कत नहीं, ट्रेड नाश्ता है। पर हमारा ये रहता है भाई स्पेशलिटी है, जिसको अच्छा लगे तो होना ही चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे में आप 2-3 दिन या हफ्तावार आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप हर्षिल, गंगोत्री, नीलांग वैली पूरा टूर करके वापस उत्तरकाशी आ सकते हैं, यानी मातली में। यहाँ से आप चौरंगी खाल और नचिकेता ताल भी जा सकते हैं। यहाँ के आसपास उत्तरकाशी डे विजिट पर भी आप निकल सकते हैं। अगर आपको नदियों से प्यार है तो माँ गंगा नदी के किनारे आप दिन में बैठ सकते हैं, यानी शाम को जो प्लीजेंट मौसम होता है, क्योंकि सर्दियों में जब आप टूर करते हैं जैसे न्यू ईयर के आसपास बहुत सारे लोग उत्तराखंड भ्रमण पर आते हैं, तो ऊपर के इलाकों में बहुत सर्दी होती है, और जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो थोड़ा बहुत जिनको सर्दी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उनके लिए हर्षिल और उन इलाकों में रहना मुश्किल हो जाता है, या ऊँचाई वाले इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, तो वहाँ आप विजिट डे विजिट पर जाके वापस यहाँ आ सकते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स जो नाम रखा है ना, उसके पीछे भी वजह है। वजह यह है कि अपने जो पुराने जो माँ बाप हैं उन या दादा दादी हैं उनकी, उनको सोच के कि हाँ उन्होंने अब हमारे लिए ये घर बनाया था, और इन घर में कुछ हिस्सा वो अपने लिए रखे हैं और बाकी जो कमरे हैं वो रखे हुए हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक दादी मिलेगी जो आपको अपनी जीवन की कहानियाँ सुनाएंगी, कि जब भूकंप आया था तब क्या हुआ था, जब बाढ़ आती है लखनंदा में ये भागीरथी नदी में तब क्या होता है, यहाँ पर किस तरह की मौसम होता है, छोटी छोटी कहानियाँ आप उनसे सुनेंगे। तो ये आपका गांव है, यही गांव है? यही गांव दूसरा भी है कोई है? दूसरा गांव भी है आपका? ये यही गांव है मेन? यही गांव है। अच्छा। पहले पुराना घर उधर था गांव में, अब भूकंप आया तब इधर बनाया, जमीन थी अपनी तो इधर ही बना है। सब भाइयों, 3 भाई हैं, तीनों का है। सो टूरिस्ट आते हैं, आपको भी मन लगा रहता है? हाँ लगा, ये घर में है बस, लगा है
रिटायर हो के ये भी आ गया। बस खाना बनाने वाले में लगा रखी है, बन बनाया खाना मिलता है, ये भी सेवा कर रहा है, वो भी सेवा करती है बस। अब जो ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे हैं, उसके रेट्स, उसके कमरों की क्या स्थिति है, कैसे कमरे हैं, उस पर हम बात करते हैं सुधीर नोटियाल जी से। सुधीर जी, सुशील नोटियाल जी, सुशील जी, कितने कमरे हैं यहाँ पर? ये इसमें 4 कमरे हैं, 3 ग्राउंड फ्लोर में, 1 फर्स्ट फ्लोर में। और विशेषता यह है कि आप देख रहे हैं पार्किंग खुली खुली है, पार्किंग भी है, और हर कमरे में अपना इंडिपेंडेंट बरामदा है। तो ये फील घर वाला है, होटल वाला नहीं है। आपने हर कमरे के साथ एक किचन भी दिया? हाँ, किचन भी है, इंडिपेंडेंट छोटा सा किचन है, बाथरूम भी बड़े बड़े हैं, अच्छे साइज के हैं, और रूम भी साइज भी अच्छे हैं, और जो कि 14x12, 11x18, एक लास्ट वाला रूम है वो 15x12, मतलब अच्छे साइज हैं, और हर कमरे का किचन और बरामदा अपना है। अच्छा, रेट को लेकर थोड़ा सा और जानकारी, क्योंकि जो होम स्टे में आते हैं वो सबसे ज़्यादा पहले रेट देखते हैं कि किस रेट पर है। हाँ, तो ये है, नेशनल हाईवे पे है, तो यात्रा में काफ़ी लोग आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि फैमिली जैसे लोग ही आएँ, जो मतलब घर जैसा समझे, हमें भी अच्छा लगे, उन्हें भी अच्छा लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स है, तो इस पे ही हमारा जोर रहा है। और हम ये नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग आएँ, मतलब अव्यवस्थाएँ फैलती है, लिमिटेड लोग आएँ और तरीके से रहें और जाएँ, खुश रहें, घर जैसा महसूस करें। तो इसमें हम कोशिश ये की है कि 8-4 कमरे हैं, डबल बेड हैं, लेकिन सब कमरों में एक एक एक्स्ट्रा बेड लग सकता है। तो अगर कोई ग्रुप में है तो 12 लोग, या छोटे बच्चे हैं तो 15 तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब कंफर्टेबली रह सकेंगे। आप कमरे हमारे काफ़ी बड़े हैं, खुली जगह है, खुली पार्किंग है, बरामदा है, और ये टेरेस है, यहाँ से पूरा व्यू, मतलब हर कमरे से, हर जगह से व्यू है, खुला कूपन, वेंटिलेटेड, और ये इसकी विशेषता है। और गर्मियों में भी इसका मतलब वेंटिलेशन होने से कंफर्टेबल रहता है, और जाड़ों में तो ये बहुत कंफर्टेबल जगह है। चार्जेस कितने हैं पर रूम इसका? हमने रखा है 2000 रुपया, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के 3 कमरे हैं, 2000 पर डे, ये सीजन के रेट। लेकिन ये ऑफ सीजन या थोड़ा कम होता है, तो ये जुलाई, ये अप्रैल मई जून तक के रेट हैं, और जुलाई से पूरा ये मार्च तक इसका हमने 1500 रुपये है पर रूम का। हाँ, ऊपर वाला कमरा जो है ये एक स्पेशल, इसमें कम बैठक है, कमरा है, एक स्टडी रूम है, थोड़ा बड़ा है, तो इसका हम सीजन में 3000 और ऑफ सीजन में 2500। अगर कोई ज़्यादा दिनों के लिए आते हैं तो कोई डिस्काउंट? हाँ, डिस्काउंट करेंगे सर, वो ड्यूरेशन पे है। अगर एक हफ्ता रुकता है, 3 दिन से एक हफ्ता, मतलब एक हफ्ता अगर किसी का है तो उसको हम 25% डिस्काउंट देंगे, और जो 15 दिन रुकता है उसको हम 40%, और जो पूरे महीने रुकता है उसको 70%। तो इसमें किचन, वो अपना किचन भी किचन बना भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट अपने ढंग से। चलिए, आइए, कमरा देखते हैं। हमने टी कैटल भी रखे हैं। ये ऊपर का रूम है, ये 3000 और ऑफ सीजन में उसमें ये है 2500। वाह, ये बहुत प्यारा इसका कमरा। ये तो बालकनी है, और हाँ, ये बैठक हो गई बिल्कुल, ये उसमें आप बैठ भी सकते हैं, हाँ, और इमरजेंसी में आराम भी कर सकते हैं। कमरा बहुत प्यारा है अंदर ये, और ये इसका डबल बेड बना है, इसमें 2 बेड हैं, बड़े बड़े किंग साइज हैं,
और इसमें ये सोफा कम बेड है, इसमें भी बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। इधर किचन भी दे रखा है इसमें। हाँ, इसमें ये एक एक स्टडी रूम भी दिया गया है। हाँ, कि कोई लंबे टाइम में किसी का कंप्यूटर या कुछ इस तरह से पूजा पाठ या बच्चों को खेलना हो। हाँ, तो इसके लिए ये स्टडी रूम है। और ये किचन भी है। ये किचन है, ये अलमारियाँ दी गई हैं पूरा सामान रखने के लिए। ये किचन है, काफ़ी बड़ा, 10x10 का है। ये वॉश बेसिन, किचन, पूरा सब कुछ है। उत्तराखंड में होम स्टे खुलते रहे हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, जो प्रमुख जो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन या रिलीजियस डेस्टिनेशन है, लेकिन जो उसकी परिकल्पना है, अगर उसके मूल में आप जाएं तो बहुत से होम स्टे बहुत दूर खड़े होते हैं, लगते ही नहीं है कि वो होम स्टे हैं। होम स्टे का मतलब है कि आप जब उस होम स्टे में जाएँ तो आपको लगे कि बिल्कुल आप उस अपने परिवार के बीच आए हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर अनुभव होता है, ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे है। आगे भी इसकी सीरीज जारी रहेगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाजत दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। छिपे हुए हैं, इनको निकालो। Grandparents home stay. Your grandparents are here? We recently opened it. And I'm from tourism department. Okay. Retired. Okay. Recently in 2021. July. Ah, congratulations. And 1 year we renovate our house completely. Wow, great. And we have also backside kitchen garden. Oh, wow. Great. And terrace. Beautiful, beautiful. Yeah. So you're living here now? Yeah. Great. It's a beautiful place. The mountains are amazing. Yeah. So I'm including this features in the YouTube. In YouTube? You have the nature. To promote it, yeah. Yeah. Yeah, it's an amazing place. Yeah. It really is. And the rivers. I'm going to go see. People go through the buses and... And go and past. Yeah. इसके सुन, उसके सुन, अब किसके सुनने। गंदगी नहीं है। हाँ।